प्रोटेस्ट बारे दस अज असी भगवंत मान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया डीसी दफ्तर के बाहर क्योंकि आरटीओ दफ्तर का बहुत बुरा हाल है। 20,000 फाइल पेंडिंग पई आरटीओ दफ्तर एक रिकॉर्ड है। मेरा ख्याल 2-4 दिन होर हो गए तो लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड के आरटीओ दफ्तर का नाँ दर्ज हो जाना। अज जिहड़े बच्चे नवा लसेंस बना जाते हैं 7-7, 8-8 महीने हो गए उन्होंने चक्कर लगाते हैं। जे किसी ने लसेंस रीन्यू कराना वो नहीं हो रहा। जे किसी ने नवी RC बनानी है वह भी 7-7, 8-8 महीने नहीं बन रही। जिन्या खिड़कियां आरटीओ दफ्तर दियां जिथे कलर्क बैठते सीगे अज तुसी मैं मीडिया को रिक्वेस्ट करा जाके चैक कर लो सारिया बंद पईआं। कोई कलर्क नहीं बैठता, कोई ऑफिसर साहबान नहीं बैठता। 2 सालों के 7-8 RTO चेंज हो गए हैं। कोई RTO लगन नूं तैयार नहीं हैगा क्योंकि जे किसी RTO नाल गल भी की पूछा भी है वो कहिंदे कि उपरों इंस्ट्रक्शन इदां दी आ जांदी है कि असीं इस जगह ते इस सीट ते बह के काम नहीं कर सकते। और अज हालात इहो जिहे ने कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। साडी इही मंग है कि जे इन्हां ने एक हफ्ते दे विच विच RTO दफ्तर का सिस्टम ठीक ना किया तो असी RTO दफ्तर के अंदर धरना देंगे और गिरफ्तारियां भी देंगे। जिहड़े भगवंत मान साहब साढ़े मुख्यमंत्री साहबान कहिंदे सीगे कि घरां दे विच जाके असी कागज फड़ा के आवेंगे घरां दे विच तुहाडे लसेंस मिलणगे RCs मिलणगियां। और अज असी याद करते हैं कांग्रेस का राज 15 दिनों के RC घर आ जाती सी 15 दिनों के लसेंस घर आ जाता सी। अज के हालात तुसीं देख लो। सो साडी मंग भी यही है कि इस दफ्तर नूं ठीक ढंग दे नाल चलाओ।